कात्यायनी माँ। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के लिए विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी कथा भी मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ ये पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्कर है। इनकी चार भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प शोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाओं में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वे इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि स्वार्थ विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। जय माँ कात्यायनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।